अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। भारतीय जनता पार्टी को अब एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। जगत प्रकाश नड्डा को सर्वसम्मति से पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया। दिल्ली राष्ट्रीय कार्यालय पर पार्टी के सभी दिग्गज जुटे और जेपी नड्डा को नया अध्यक्ष चुना गया। देखिए किस तरीके से होती है इसकी पूरी प्रक्रिया। इस चुनाव प्रक्रिया और उसके परिणाम के संबंध में वो हम सभी को जानकारी दे माननीय राधा मोहन सिंह जी। आज दिनांक 20 जनवरी 2020 सोमवार को पार्टी मुख्यालय 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की संवैधानिक प्रक्रिया संपन्न हुई। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी वर्ष 2019-22 के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सर्वानुमति से निर्वाचित हुए। मैं श्री जगत प्रकाश नड्डा को सत्र 19-22 के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित घोषित करता हूं। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आए और निर्वाचन अधिकारी जी से आग्रह करूंगा कि वे निर्वाचन का प्रमाण पत्र दें। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी से आग्रह अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऊपर ऑफिस में जाएंगे, आप सभी अपने स्थान पे बैठे रहें। आप बैठे बैठे अपने स्थान पर खड़े खड़े अभिनंदन लेंगे। ये पीछे रोकना सबको इनको। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को।